पहले हमें यहाँ रहने का कोई उम्मीद ही नहीं था। तो भाई हमारा पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, हमारे जिंदगियों से क्या गुजरेगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। सीढ़ी वाले आए, साथ दिया, उनका ऐसे अखलाक बहुत अच्छा था। फिर हमें उन लोगों ने घर बनाने का दिलासा दिया, फिर हमारे घर बनने शुरू हो गए। आस्ते आस्ते हमें तसल्ली मिला, हमें एक नई ख्वाहिश उम्मीदें हमारे जाग गए कि भाई हमारे भी सार संभाल लेने वाले लोग हैं। नालो हे मुरसाए हे नुआ इनके सूर चैन खणी होया से तो कुछ भी कोन हो बड़ी 10-15 हज़ार गरीब मानू खाते लगा से कुछ भी कोन है कोड़ वेल खाइंदा से कोड़ वेल इने बैठा हा से फाजल गोठ में बैठा हु गरीब है कुछ भी कोन हो थेला पाया हे रोद ते वही बैठा से दुख ते कोड़ नी होयो कोड़ नी कोन हो इ आ से आस्ते आस्ते भाई हमारे घर बन गए। घरों के पर कुछ लोगों को उन लोगों ने चेक दिए, कुछ डब्बे दिए, सफाई के किट दिए, कुछ को पैसे दिए, कुछ जो हमारे साथ हैं हमारे बच्चे थे औरतें थे माहवारी में उनके खुराक का भी बंदोबस्त किया, उनके थोड़ा बहुत मेडिसिन का भी उनको उन लोगों ने बंदोबस्त किया। तो हमारे हौसला अफजाई हुआ, हमें में थोड़ा जान आ गया तो भाई हम अभी यहाँ रह सकते हैं। फ्लड हमको यहाँ आके रात को 3 बजे पकड़ा, हम बच्चे बूढ़े जवान सब सोए पड़े हुए थे, कोई हमें इल्म नहीं था। वैसे बरसातों में हमारे घर थोड़े डैमेज हो गए थे, फिर भी मजबूरन थोड़े थोड़े जो छत रह गए थे उसके नीचे हम बच्चे रह रहे थे, और तो कोई वसीला ही नहीं था, सारा पानी था जान। मजबूरन हमने कुछ नहीं निकाला, घर गए, हमारे जो सामान थे घर में जो होते हैं हमारे भाई बिस्तरे हैं खाने पीने पकाने वाले भेड़ बकरियां हमने उनको भी छोड़ दिया, सिर्फ बच्चे निकाल कर। फ्लड प्रोटेक्शन बंद जो था वो ऊंचा था, उस पर बच्चों को महफूज करके हम वहां रह गए। एंड आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान we rapidly rushed to the district Jhalmaksi and started the assessment of that district and gathered the data that more than 300,000 people have been affected by these floods, and we have on the basis of that data we have started response with the help of Welt Hunger Health Aid. You know, we were the partner of Welt Hunger Health Aid WHH since last 2 years, mobilized their resources to respond in the emergency situation in district Jhalmaksi. So we were the first organization which was there in the on ground when the floods 2022 was in these districts. So after that we have started a project with Welt Hunger Health Aid as a consortium partner. जो ये CDF वाले आए हैं तो उन्होंने हमें सर्वे किया है, उसके अलावा 2 माह के बाद उन्होंने आके हमें घर दिए हैं, शेल्टर बना के दिए हैं, और कुछ को चेक वगैरह दिए हैं, किसी को ये जो हेल्थ वाउचर हैं वो भी दिए हैं। ज़्यादातर CDF वालों ने बहुत से काम किए हैं इस हमारे डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा उन्होंने हैंड पम्प लगा के दिए हैं साफ पानी पीने के लिए CDF वालों की तरफ से। CDF और WHH UK के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने हम तो बेघर थे, हमें तो कोई सहारा देने वाला नहीं था, तो उन्होंने हमें सहारा दिया है। तो उन्होंने हमें घर भी दिया है, और यहाँ पे बिजली भी नहीं है, सोलर पंखे भी दिए हैं, सोलर भी दिया है, वेंट्री वगैरह भी दिए, लाइटिंग सिस्टम बना के दिया है। इतना हमारे पास ये CDF और WHH UK वालों की मेहरबानी है जो उन्होंने इतना हेल्प किया है हमारा।
In the life of overall project, we were responsible for the entire meal system. We complied with the core humanitarian standards alliance, all the 9 commitments. We ensured that the beneficiaries, they are accountable, and their complaints, their feedbacks, everything is addressed and welcomed perfectly. In this project, we had several activities. We started with the multi-purpose cash assistance. Then we had some health vouchers, which we distributed among the beneficiaries. So the health vouchers were basically for the health facilities, because at that area there were no any health facilities. और हमें से ये बोधात का सिलापात का और हमें दर्प दर्प भी है छोटा बंदा निश्चय काद सहूलत नहीं है सब तंग बाद भी है और हमें आज का CDF और हमेशा मेरे मेहरबानी खदा पाल दाले दार हम चला ये शायद दार मेरे माल की खदा है पूरा में डोकड़ा दाल हम आशिया पूरा में बुजुर्ग थे 25,000 CDF और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं उनके अखलाक से भी जो उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन इधर यहाँ किया हमको जो कवर किया उससे भी हम उनसे खुश हैं अभी हमारे घर भी बन गए हैं हमारा लाइट भी चल रहा है बार बार मैं अगर जितना भी मैं शुक्रगुजार कहूँगा CDF वालों का WHH वालों का और UKAID वालों का तो शायद मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं उनका शुक्र अदा कर सकूँ जितना उन लोगों ने हमें सेटिस्फाई किया हमको खुश किया हमको दिलासा दिया हमको हौसला दिया यहाँ रहने का हम यही कहते थे भाई अब हम यहाँ नहीं रहेंगे हम खाना बदोशों वांगे जैसे ज़िंदगी गुजारेंगे पता नहीं हमारे किस्मत कहाँ जाएगा तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर अपने घरों में वापस आ गए CDF वालों की मेहरबानी से UHH वालों की मेहरबानी से UKAID वालों की मेहरबानी से हम अपने घरों में खुश हैं बिल्कुल हम शुक्र गुजार हैं हम दुआ करते हैं ताकि इनका जो जो प्रोग्राम है ये बढ़ता रहे या कम ना होवे क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे लोग गरीब हैं शायद उनकी भी आप मदद कर सकते हैं।